मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पीएम के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात को 9 साल पूरे हो चुके हैं। 3 अक्टूबर 2014 को रेडियो के माध्यम से शुरू हुआ यह कार्यक्रम अब अपने 10वें साल में है। इस मौके पर SBI ने प्रोग्राम की सफलता से जुड़ी एक खास रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से स्वच्छता अभियान, बेटी के साथ सेल्फी, हर घर तिरंगा जैसे अभियानों को काफी प्रोत्साहन मिला है। लेकिन इन सामाजिक कार्यक्रमों के साथ साथ मन की बात ने आर्थिक स्कीमों को भी काफी फायदा पहुंचाया है। SBI के मुताबिक मन की बात से पीएम मुद्रा, स्वनिधि, सुकन्या समृद्धि, जनधन खाते जैसे आर्थिक बदलाव से जुड़े कार्यक्रमों को भी बढ़ावा मिला है। इसके लिए SBI ने 2 मिसालें दी हैं, जिनमें कहा गया है कि मन की बात में प्रधानमंत्री ने खादी का जिक्र किया तो खादी की बिक्री बढ़ गई, वहीं घरेलू पर्यटन को लेकर बात करने पर देश के भीतर टूरिज्म को फायदा मिलने लगा। SBI की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी जिस भी योजना का जिक्र मन की बात में करते हैं, उस योजना का गूगल सर्च बढ़ जाता है और वो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलता है। मन की बात में प्रधानमंत्री ने खादी को बढ़ावा देने की बात की तो खादी की बिक्री 2016-17 में 1,520.83 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 2,558.31 करोड़ रुपए हो गई। खादी की मांग बढ़ने से खादी का उत्पादन भी बढ़ा और इससे बड़ी संख्या में रोजगार मिला। इसी तरह सुकन्या समृद्धि योजना का मन की बात में जिक्र आने के बाद इस स्कीम के प्रति लोगों के रुझान में इजाफा हुआ। SBI की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 3.6 करोड़ खाते सुकन्या समृद्धि के तहत खोले जा चुके हैं, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपए जमा है। रेहड़ी पटरी वालों के लोन से जुड़ी पीएम स्वनिधि योजना का पीएम ने 2020 की फरवरी में मन की बात के 62वें एपिसोड में जिक्र किया, जिससे रेहड़ी पटरी वालों के बीच स्वनिधि योजना लोकप्रिय हो गई और अब तक 65.5 लाख रेहड़ी पटरी वालों को इस स्कीम के तहत लोन आवंटित किए जा चुके हैं। पीएम ने 3 साल पहले मन की बात में भारत में अलग अलग जगहों पर स्थित लाइट हाउस का जिक्र किया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस जिक्र के बाद गूगल में लाइट हाउस से जुड़े सर्च की संख्या 1.5 गुना बढ़ गई, जिसका फायदा पर्यटन को मिलेगा और राज्य सरकार अपने अपने राज्यों में स्थित लाइट हाउस को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक मुद्रा लोन के बारे में प्रधानमंत्री ने 2015 में मन की बात में जिक्र किया था और उसके बाद से मुद्रा लोन को लेकर भी गूगल सर्च में बढ़ोतरी हुई। इसके बाद कोरोना के दौरान एक बार फिर मुद्रा लोन गूगल सर्च में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।